देख सकते हैं यही पवन यादव जी हैं और उनकी जो है वाइफ आरती की बहन जो है यहाँ साथ में फोटो खिंचवाई है। पता तो है जब बेटा का केस में फंसा दल के तो पता तो हेबे न करता है, सब कुछ तो छटकिए रहा है मोबाइल पर। यादव के जो पत्नी है उसका दिमागी हालत सही है कि नहीं है? नहीं, दिमाग कुछ गड़बड़ गड़बड़ है ना दिमाग। कहाँ मम्मी? मम्मी नहीं जा। कहाँ पे है? मैंने देख दिया। कब से नहीं देख रहे हो तुम उसको? है यादव कहाँ थे उस वक्त? पवन यादव मेजबानी हम रहे तो कल एक अच्छा सर जब हम बेटा के छे नहीं गो तो हम कल हाई अतने टा कह जो हम हाजिरी कर देवे वही पर हमार झटकी पकड़ ललका हमरा लागा लाठी दिया लागा। पवन यादव चाह रहे थे कि उनका शादी जो है आरती से हो जाए। इस बीबी को क्या करेगा पवन यादव जो पहले शादी किया? इस बीबी को क्या करेगा पवन यादव? जब ईमान से बोल रहे हैं सर पे कसम हाथ मत लड़का सही है तो सर कप हाथ पर की किसी गाय काने में नंगड़ी छुपा दीजिए तो बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक है और आप देख रहे हैं मोजो तक। छोटू हत्याकांड को लेकर हर एक दिन नया खुलासा होते जा रहा है, हर एक दिन नया मोड़ आ रहा है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के जानकी नगर थाना अंतर्गत मधुबन गांव में। ये वही घर है जहाँ पवन यादव जी रहते थे। आपको आप सभी को हम दिखाते हैं पवन यादव का जो घर था वो किस प्रकार से वो घर था, कहाँ वो रहते थे, जिसको मुख्य आरोपी के नाम से दर्शाया जा रहा है। यही घर है, आप देख सकते हैं मिट्टी का घर है और ऊपर में टीना लगा हुआ है और कच्चा मकान है। यहीं पे जो है पवन यादव जी रहते थे, इनका आप घर देख लीजिए। हालांकि इनका देख सकते हैं कि जो गेट है टूटा हुआ है। एक चीज़ आप सभी को मैं आपको दिखा दूँ, पवन यादव का फोटो यहाँ लगा हुआ है, आइए दिखाते हैं। यही पवन यादव हैं जो जिनको जो है मुख्य आरोपी के रूप में जो है माना जा रहा था। आप गौर से इनको देख सकते हैं, एक बार जो है जूम कीजिए इस पे और देखिए यही पवन यादव जी हैं जिनका खोज जो है कई दिनों से हो रहा था। आइए बाहर आपको दिखाते हैं लाइट में, देख सकते हैं यही पवन यादव जी हैं और उनकी जो है वाइफ आरती की बहन जो है यहाँ साथ में फ़ोटो खिंचवाई है। ये फ़ोटो कब का है भैया जी? करीब 4-5 साल की है। 4-5 साल का, जब इस शादी से का? हाँ, शादी का लगभग है, शादी के आसपास का है। देख सकते हैं फोटो यहाँ पे फ्रेश, आप देख सकते हैं यही पवन यादव जी हैं जिनका ये फोटो है और यही घर है। फिलहाल इनके घर में जो है पवन यादव जी जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी वाइफ जो है यहाँ पे नहीं है, उनका शायद से उनका तबीयत खराब है और उनके दो बच्चे हैं जिनको आपको मैंने दिखाया है। यहाँ देख सकते हैं इसी में जो है किचन है और बेडरूम इसी में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी में जो है पवन यादव जी रहते थे। इनका घर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है गैस है, यहीं पे खाना वगैरह बनता होगा इनका। और में कुछ इनके कई लोग यहाँ पे शामिल है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे आखिरकार जो है पवन यादव किस तरह से जो है व्यक्ति थे कि उनके माता से बात करेंगे, उनके भाई से बात करेंगे, उनके दारती जी जो है बता रही थी, पूरा मास्टरमाइंड उनको बता रही थी क्या कुछ हुआ था उस दिन, उस काली रात को किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। हर एक चीज़, हर एक पहलू पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं इनके घर पे। हालांकि आप सभी को मैं बता दूं कि पवन यादव कल बीते शाम उनका जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके भाई हैं और इनका परिचय मैं आपको बता दूं, ये दादाजी हैं। मैं इन लोगों से एक ही अपील करता हूं कि आप लोग जो है सच का साथ दीजिए, सच बोलिए जो भी घटना घटी है, क्योंकि ये जो मामला है पूरा बिहार को झकझोर दिया है, पूरा हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। इनके भाई हैं, आज इनसे बात करेंगे। इनकी माता जी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। विपिन कुमार यादव जी पवन के छोटे भाई। पवन कुमार के, अब जो घटना घटा है 5 जुलाई का जो वो काली रात थी, जो घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना के बारे में आपको क्या क्या पता है? हमको इतना ही पता है मेरा भाई सुबह गया है 7-8 बजे के बीच में जी। क्या करने गए थे वो? उसका साला फोन किया था, अब क्या करने गया ये हमको बताया नहीं। आपको नहीं पता है? नहीं। इस हत्याकांड को लेकर कुछ पता है आपको, क्या कुछ पता है? नहीं, इसमें कोई पता नहीं है। कुछ नहीं पता? नहीं। कल कितने बजे उनकी गिरफ्तारी हुई? कल करीब 2:30 बजे ही। इससे पहले वो कहाँ पे था? इधर घर पे था। यहीं पे थे। की माता जी है, क्या नाम है आपका? सुलखा देवी। आप पवन यादव की माता जी? हाँ, पवन की माँ बोल रहा है। क्या कुछ मामला था, उसके बारे में कुछ पता है आपको? तो पता तो है, जब बेटा का केस में फंसा दल के तो पता तो हेबे न करता है, सब कुछ तो छटकिए रहा है मोबाइल पर। हमारे बेटा नहीं, हमारे बेटा घर पर है। ये जो उनका हत्या हुआ है,
उनको मुख्य आरोपी के रूप में इसको माना जा रहा है अभी। हाँ, क्या आपका बेटा हत्या किया है? नहीं सर, झूठ बोले छे। हमारे बेटा जे दिन हत्या भले है हमारे बेटा घरे पर है और हमारा बेटा का 7-8 बजे और सार अभिकंद जी छे वो फोन कर लके। क्यों फोन किया था? जाबा जीजाजी जे घर में पकड़ा गया है जे शादी विवाह करब। उसके नंबर पर फोन किया? हाँ, और साला अभिकंद हमारा बेटा का फोन कर के 7 बजे। हाँ, सुबह के 7-8 के बीच में हम जा रही है जोन लूंगा। कल के कि मम्मी गे हम आबे छु के कत जा छी तो कहे कि हमारे सलाह फोन कल के देखी न लागे आर्थिक शादी आ रहे थे। हम कलिए ना जल्दी आ खेत में मशीन छो पानो पटेबी जल्दी आ कछा छा आबे छु आ ता में अखन कते दूर छे सब के कतना दूर छे जाय में 1.5 घंटा ओकरा लागल हेते रोड भी नहीं छे बढ़िया आ ता ई ना सब सुन ल छी दूसरे दूसरे फोन भले जे ई घटना भले ओ घटना भले। जब आरती कहे छे जे पवन जीजाजी मारलक जे हम गलिए छोटू जब घर अल तो हम मामा के गलिए कहे ला तो ओकर मामा तो तखनी उठ के अती है। जब मामा ओकर दुआर पर अती है पूरा पड़ोसिया कतना समाज छे हमरा आ पूरा पड़ोसिया अती है तो की करती है बाबा जी मार देती है ओकरा। आरती जो है वो साफ तौर पे कह रही है कि वो पहले से वहाँ पे थे वहाँ पवन यादव जी। हमर ग्रामीण लोग के पूछ रहे जे हमर पवन कतम साल भर लक आरतियो जाने छे हमर जीजाजी साल भर के राजस्थान में रहे। आप ग्रामीण है के यहाँ सच का साथ दीजिए? हाँ, जरूर सच्चाई और विजय होता है। एक चीज बताइए, पवन यादव जी 5 जुलाई को कहाँ थे? घर बैठा, घर बैठा। 6 तारीख को जब सुबह का टाइम में बताया जा रहा है कि पवन यादव को उनके जो साला है बुलाया था, क्या सही बात है ये? 8 बजे के अंदर ही बुलाया था उसको, तो बात तो सही है लेकिन हत्या तो पहले न हो चुका था। हत्या जो है सुबह के 4-5 बजे बताया जा रहा है? नहीं नहीं, गलत बात बोल रहा है उसने। कब हत्या हुआ था उसका? कम से कम 2 बजे रात में मार दिया। हत्या करने का सही टाइम जो है 4-5 बजे के बाद बताया जा रहा है। 2 बजे उनको बुलाया गया था अपने घर पे साजिश के तहत? ना ना, तो गलत बात है। 8 बजे गए हैं यहाँ और इस गाँव का पूरा आदमी बोल लेगा कि सही बात है, लड़का सही है, आज तक कोई क्लेम नहीं किया है। आप देखे थे जाते वक्त? जाते समय देखे थे? समय हम नहीं देखे थे। हमारा घर समय कौन देखे थे? यहाँ कोई है ऐसा? कोई है ऐसा कि जाते समय देखे थे? जाने के वक्त देखे थे आप? 7 बजे कचिन 7-8 के बीच में कल के देखे थे जाते वक्त? हाँ। कौन सा गाड़ी से गए थे? मोटरसाइकिल से। द्वारे पर लागल छे बाबा महाराज के द्वारे पर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के चूर दल के या काट भले चूर चार दल के गाड़ी है सर। हाँ, वहाँ से पैदल आवा पड़े। आपका पोता को मुख्य आरोपी माना जा रहा है, मास्टर माइंड बताया जा रहा है, वही हत्या किया है? ना, हत्या कना करते दिन का गल गया क्या? 7-8 में गले थे यहाँ से ही और फिर बुल के लेकर जरा हमारा बहुत परेशानी भाई गाड़ी का नाना भाग गए तो हम बुल के आए लिए पैसों नहीं दे गाड़ी आर कुछ सब चढ़ती है बुल के। अच्छा एक बात बताइए, उनका वो हत्या नहीं किए तो उतना दिन से फरार कहा थे? हाँ, क्यों फरार थे, क्यों भागे हुए? घर पर सर, घर पर है। आज घर जै दिन से आए 15 दिन भले है गोप का, क्या दिना भले है वो दिन से हमारे? हाँ, 5 तारीख के भले ना हमारे वो दिन से घरे पर है। आज अभी सब जो सुनलक ना मोबाइल आर के द्वारे पर जो हमारा पर आरती हमार सालियाना फसा पर भी यहाँ पर आई है। हाँ सुनिए ना सर, सुनिए ना, पुलिस अल पुलिस के यहाँ 4 दिन भै गए पुलिस ओत से अल कोई खबर नहीं दल के पहले पुलिस जब अल तो कहे कि उठिए उठिए तो हमें उठलिए कहे आप कौन है नाम बताइए तो हम कलिए कि सर हम सुलखा देवी है। पवन का कौन है? कलिए सर हम मम्मी है। हाँ पवन आपको कै ठो बेटा है? तो हम कलिए सर हमारा 2 ठो बेटा है, नाम बताइए। कलिए 1 ठो को पवन है, 1 ठो को विपिन है। इतना टा जब बात कलिए तो कल के कि सुनिए कहे नहीं आप हसामी को जमा कर रहे, आप मोबाइल में नहीं देख रहा है, कुछ नहीं आपको पता है। पवन यादव कहाँ थे उस वक्त? पवन यादव मेजबानी हम रहे तो ओकरा कहलिए अच्छा सर जब हम बेटा के छै नहीं गो तो हम कल इतने टा कहे जो हम हाजिरी कर देवे वही पर हमार झटकी पकड़ ललक हमरा लागा लाठी दिया लागल। पत्नी कहाँ? पवन यादव के पत्नी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गई है वो? वो बीमार छे। आप दीदी कौन छे कि मौसी कौन छे का पता नहीं है? ना सर, इहे सब के ओकरा दाँती पर दाँती लगे कोई उसो नहीं छे। सच्चाई का साथ दीजिए, हम लोग जो है इस पे विशेष कवरेज करने के लिए आए हैं आपके पास। छुपा के क्या गाड़ी रखबे, सत किया न बोलबे?
जब हमरा साथ हमरा बेटा का आरोप लगबे छै आरती जानै छै जे हमर जीजाजी केहन गाय छै और हमर जीजाजी भर साल राजस्थान में रहै छै। दादाजी एक चीज बताइए कि पवन यादव के जो पत्नी है उसका दिमागी हालत सही है कि नहीं है? नहीं, दिमाग कुछ गड़बड़ है ना, दिमाग नहीं सुन, बूढ़े बुजुर्ग इंसान है ये सही बात बोलेंगे जैसे सुन लगे ना, जब तक दिमाग पहले से तबीयत खराब नहीं था उसका, पहले ठीक है, पहले ठीक है, बहुत ठीक है। छोटू छोटू का परिवार वाला बता रहा है कि वो खुद शादी करना चाहता पवन यादव, बेटा बेटा बेटी से करना छोड़े दोसर करते थे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मुन्नी। मुन्नी और कौन बच्चा दूसरा ये है? क्या नाम बाबू तुम्हारा? लव कुमार। मम्मी की तबीयत ठीक रहता था तुम्हारा? कहाँ है मम्मी अभी? नहीं जा मम्मी, आप मत बोलिए प्लीज, कहाँ मम्मी तुम्हारी? मम्मी नहीं जा। कहाँ पे है? कब से नहीं देख रहे हो तुम उसको, बताओ सही सही बताओ। घटना दिन से सब ककरो ठकान नहीं छे सारे घटना। देखिए ये लोग जो है सच का साथ अब लोग नहीं दे रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, सच्चाई खुल के नहीं निकलेगा। आप कम से कम ये बताइए उनका मानसिक संतुलन सही था कि नहीं था पवन यादव की पत्नी का? सही था, सही था। हाँ। छोटू का परिवार वाला आरोप लगा रहे हैं आप लोग के बारे में कि उनका जो पवन यादव चाह रहे थे कि उनका शादी जो है आरती से हो जाए, इस बीबी को क्या करेगा पवन यादव जो पहले शादी किया, इस बीबी को क्या करेगा पवन यादव जब उससे शादी करेगा? कितना दिन हो गया पवन जी की शादी कर? 10 साल करे लगभग, 10 साल लगभग में 10 साल। गलत आरोप लगा रहा है सब, जब उस रूम में मन था तो कैसे देख लिया इस रूम में पवन यादव है? मारा गया ये चीज सच है ना? मारा गया कौन? मौत हो गया किसी का, बेटा का हत्या हो गया, ये चीज सच है ना? वो बता रहे हैं कौन मारा नहीं मारा तो हम नहीं देखेंगे उस घर में। सात आदमी का नाम आ रहा है इसमें पवन यादव का भी नाम आ रहा है, चीज गलत आरोप लगा रहा है। नहीं मारा तो क्यों वो अपने आप को सरेंडर कर दिया ये बताइए ना फिर आप? सरेंडर पुलिस तवा कर रहे थे ना, पुलिस तवा कर रहे थे ना। अच्छा। तो क्या किया उस समय पे, क्या किया जाए? तो उतना देर से क्यों भागे हुए थे वो? नहीं भागे हुए ना, तो घर पर थे, घर पर थे तो पहले कर देना चाहिए, तो भागे काहे थे वहां से? कहां से? 6 तारीख को जब मौत हुआ था छोटू का तो वो भाग गए थे वहां से ना, फिर रूबी देवी भी भागी हुई अभी तक आई नहीं है क्या? सुनिए सर, वहाँ का मामला गड़बड़ था तो कोई भी आदमी भाग सकता है ना, नहीं भागेगा? 15 दिन भाग के रहिएगा, क्यों नहीं भागेंगे? हाँ देख रहे थे कल बीते शाम जो है पवन यादव का जो है गिरफ्तारी होती है, हालांकि उनके परिवार लोग बता रहे हैं कि वो जो है बस से जा रहे थे और थाना वाला जो है रानीगंज थाना या शायद अररिया के थाना जो है उनको धर दबोचा है। इस मामला को लेकर आप क्या समझते हैं, कितना खुलासा करना पड़ेगा, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। कुछ आस पड़ोस के लोग हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे शामिल है आप दिखाइए सभी को, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे शामिल हैं। कुछ समाज के लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप जी आपका? हमारा नाम है गरीब ऋषि देव। कहाँ रहते हैं आप? मधुबन में रहते हैं। हाँ, और वार्ड सदस्य भी हैं। अच्छा, आप यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं? हमसे आपसे काफी उम्मीद है, जो भी आप बोलेंगे सही बोलेंगे, सच के साथ देंगे। हाँ सच का साथ देंगे, गलत का साथ कभी नहीं देंगे, ईमान से बोल रहे हैं। हाँ, पक्का ईमान से बोल रहे हैं। सर पे कसम खाके बोलिए, लड़का सही है तो सर हाथ पर की किसी गाय काने भी नंगड़ी छुपा दीजिए तो बोलेंगे, लड़का गलत नहीं है। अच्छा ये चीज बताइए, पवन यादव कैसे आदमी थे? पवन यादव मजदूर क्लास का आदमी है, बेचारा जोधपुर खट के अबे किया है अभी, और वहाँ कांड होने का बाद यहाँ पर कांड हुआ तब पवन यादव यहाँ से, वो 8 बजे गया है। आप देखे हैं जाते हुए? देखे नहीं है कि मेरे सामने पानी पटा रहा था। कब पानी पटा रहा था? जिस दिन वो घटना हुआ है। घटना सुबह का है? सुबह का है, सुबह ही बात का मालूम नहीं है। तब आपको क्या मालूम है बताइए? ये सुबह का नहीं है, घटना का था 2 बजे। नहीं आपको मालूम नहीं, आपको मालूम है घटना? नहीं हमको तो कुछ मालूम नहीं। किनको मालूम? आपको मालूम है लेकर? मालूम है आपको घटना का तो नहीं? हमारे नहीं है सर, झूठे कैसे कह दें कि ऐसे? यहाँ पे किसी को ये नहीं पता है कि सुबह के टाइम में पवन यादव जी गए थे कि नहीं गए थे,
हालांकि जो है इनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि वहां गए थे, लेकिन जो समाज के कुछ लोग हैं उनको जाते वक्त नहीं देखे गए थे, लेकिन ये चीज़ का खुलासा अब तक नहीं हो रहा है। हो सकता है कि पवन जी जो है पहले से वहां पे हो, या तो हो सकता है कि वो सुबह के 7 बजे गए हों, लेकिन इस चीज़ का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। खासतौर से आज हम पवन यादव के घर पे आए हुए थे, इनके दूसरे पक्ष से बयान लेने के लिए आए थे कि क्या कुछ मामला हुआ था। हालांकि इनके पवन यादव का जो पत्नी है यहाँ पे नहीं है, उनका मानसिक संतुलन सही है या नहीं हमें नहीं पता है, फिलहाल वो यहाँ पे नहीं आई हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए।